हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। मैं यहाँ गुलाब की कटिंग कर रही हूँ। सुबह का मेरा सारा जो किचन का काम होता है वो हो गया है, बर्तन क्लीन, जो किचन क्लीन होती है वो, और ब्रेकफास्ट लंच सब हो गया है, जैसे कि एक साथ ही बनता है, आपको पता ही है। तो उसके बाद अब मैं यहाँ बाकी की क्लीनिंग में लगी थी, तो फिर मुझे ध्यान आ गया, चलिए मैं इसको थोड़ा सा काट देती हूँ, क्योंकि जो फूल आए हैं तो जो कलियाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं, और अब नई नई इसकी ब्रांच निकल रही हैं छोटी छोटी सी। तो जो बड़ी बड़ी हैं उनको मैं साथ साथ यहाँ काट रही हूँ, जैसे पुराने फूल कुछ लगे हुए हैं तो उनको काट रही हूँ। इससे क्या होता है, जल्दी से जो गुलाब है वो और ज़्यादा मतलब फूटता है, उसकी नई नई और जल्दी ब्रांच आती हैं तो उससे फूल जल्दी आते हैं। तो आजकल मैं इसकी कटिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ, 8-10 दिन में एक बार मैं कटिंग कर ही देती हूँ, क्योंकि बरसात के मौसम में जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। देख सकते हैं कितनी मतलब ऊंचाई तक ये चला गया है, और यहाँ पर नई कलियाँ इसमें आ रही हैं। तो बस यहाँ मैं सबसे पहले यही लग गई थी करने के लिए, क्योंकि फिर यहाँ आ जाएगी धूप, फिर यहाँ क्लीनिंग होनी है, धुलाई बुलाई करेंगे। और फूल देखिए, गुड़हल पर बहुत ज़्यादा फूल आए हैं। गुड़हल को मैं नहीं काट रही हूँ, क्योंकि आगे आएंगे नवरात्रे, और नवरात्रों में रेड फूल बहुत चाहिए। और इसकी जो कलियां हैं बहुत ज़्यादा कलियां आई हुई हैं, तो इसकी एक भी टहनी जो भी है मैं नहीं काटूंगी। और वैसे भी ये एक साइड है, जाल की साइड हमने इसका रुक कर रखा है, बांध के मतलब रस्सी बांध दी थी इसमें, तो इसलिए इसको नहीं काटेंगे। और क्यारी बच्चों ने जो यह है एक दिन साफ़ कर दी थी, सब इसमें से हटा दिया था, लेकिन फिर भी फूल गिरते रहते हैं, तो आज फिर मैं थोड़ा सा इसको साफ़ कर दूंगी। और वो बाहर का मैं करने के बाद जो उसकी साफ़ सफाई थी, धुलाई अभी नहीं करी है, वो मैं बाद में करूंगी। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अंदर रूम में, इसके डस्टिंग कर दूंगी साथ साथ, और मुझे करनी है इसकी बेड शीट चेंज। कई दिन हो गए थे तबीयत ख़राब की वजह से, तो बस अच्छे से ना तो डस्टिंग हो पा रही थी, और ना ही मतलब बेड की जो बेड शीट है वो भी कई दिन से डली हुई है, तो थोड़ा सा गंदी सी लग रही थी मुझे, तो इसको मैं आज निकाल लूँगी। और बच्चे बुक्स देख सकते हैं आप, क्या हालत है। श्री बस पूरा दिन बुक्स लिए बैठा रहता है यहाँ पे, तो ये मैं हटा दूँगी, थोड़ा सा जो है ये क्लीन कर दूँगी सारे में। कई दिन में अच्छे से हाथ निकल जाए तो अच्छा लगता है। वैसे तो अब दिवाली की क्लीनिंग शुरू हो ही जाएगी, लेकिन मैं अभी नहीं कर रही हूँ, करीब 15 दिन बाद मैं शुरू करूँगी, क्योंकि एक वीक में 10 दिन में लगभग सारी क्लीनिंग ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं, क्योंकि अभी तो दिवाली के इतना टाइम पड़ा है तो फिर से ऐसा ही हो जाएगा। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, अभी नॉर्मल जो मेरी क्लीनिंग है वही चल रही है। और आज थोड़ा सा सर दर्द में राहत है, क्योंकि कल डॉक्टर के पास गई थी, दवाई खा रही हूँ टाइम के साथ, तो काम तो करना ही पड़ता है। अभी इतना आराम तो नहीं है, इतनी जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऐसे मन नहीं लगता घर में जब कहीं अच्छे से क्लीनिंग ना हो। और कपड़ों का काम तो डेली का ही होता है धुलने का, तो मशीन लगाई रही थी तो मैंने सोचा चलिए ये बेडशीट भी मैं चेंज कर देती हूँ। और ये मैंने जो अपने ही जो बेडशीट का मेरा कलेक्शन है उसमें से ही मैंने ये ली है, ग्लेस कॉटन की बेडशीट। कलर मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरे पास सारी जो बेडशीट हैं डार्क कलर से की हुई हैं, और मैंने अपने कलेक्शन से भी 3 बेडशीट ले ली हैं, कॉटन की भी ली थी मैंने, बहुत अच्छी निकली है। और ये तो खैर आज मैं पहली बार डाल रही हूँ, पिक लगाई थी मैंने बेड पे डालने के बाद, लेकिन वो ऐसे ही मैंने श्राद्ध में डाल के देखी थी, श्राद्ध चल रहे थे तो फिर मैंने नई नई डाली थी। श्राद्ध में नई कुछ भी नहीं करते हैं, जैसे कि कोई कपड़ा, तो मैंने सोचा चलिए बेडशीट भी नई नई डालते हैं, तो फिर मैंने साथ साथ उसको उठा दिया था पिक लेने के बाद, और अब मैं इसको आज पहली बार डाल रही हूँ। तो ये मुझे कलर भी और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये मैंने ले ली थी। और अगर किसी को भी बेडशीट वगैरह कुछ चाहिए तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। और बाकी आगे और कलेक्शन भी आएगा दिवाली का, तो तब मैं शायद कोई वीडियो भी बना दूंगी बेडशीट की। तो चलिए बस अब मैं कर लेती हूँ सारा काम, अभी बस किचन का काम तो हो ही गया है, पोछा और बाकी की डस्टिंग बची है तो वो भी मैं कर दूंगी, साथ साथ मशीन में डाल दूंगी बेडशीट, क्योंकि कुछ कपड़े धुल चुके हैं, पहले ही मैंने मशीन लगा दी थी। और बस सुबह का टाइम ऐसा ही होता है, काम काम काम, जल्दी ख़त्म हो जाएगा आज काम, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लग गई हूँ, आज मैं बैठी नहीं हूँ।
एक बार बैठ जाती हूँ तो फिर आलस आ जाता है, कुछ तबीयत ढीली चल रही है तो उसकी वजह से। तो आज मैं साथ साथ ही काम पे लग गई हूँ, और यहाँ नहा धोकर सारा काम करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। लंच बना रही हूँ बच्चों के लिए, और आपको लग रहा होगा लंच नहीं, ये तो ब्रेकफास्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज ऐसी सब्जी बनी थी जो श्रेय को बिल्कुल पसंद नहीं है। श्रेय बहुत कम सब्जियाँ खाता है। तो आलू बॉयल रखे थे और ब्रेड रखी हैं, तो बच्चों के लिए बना रही हूँ यहाँ सैंडविच। एक प्याज मैंने बारीक काट के डाल ली है, और एक हरी मिर्च, और टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा डाल लिया है इसमें चाट मसाला। और इसको यहाँ फ्राई नहीं कर रही हूँ, मतलब जो ये इसकी फिलिंग है वो ऐसे ही मैं कच्चे आलू की ही तैयार कर रही हूँ, मतलब बॉयल आलू की, कच्चे तो नहीं हैं। लेकिन ऐसे हम फ्राई करके जीरा डाल के तो तब भी बनाते हैं, लेकिन आज मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी बना दूंगी, क्योंकि बच्चों को भूख भी लग रही है, और श्रेय का पता ही है आपको, ब्रेकफास्ट नहीं करता है। तो काम ख़त्म करते ही मैं इसीलिए साथ साथ पहले किचन में आई हूँ, आपसे मैं बाद में मिलूँगी। तो बस यहाँ मैंने स्लाइस ले ली हैं ब्रेड की, और ब्रेड भी छोटे वाले ही हैं, मतलब वो नहीं है सैंडविच ब्रेड, लेकिन जो भी है बच्चों का तो मतलब हो ही जाएगा। तो बस यहाँ मैं थोड़ा सा बटर लगा लूँगी इनके ऊपर, और अभी जो बटर है वो भी फ्रिज से निकाला है अच्छे से, ये मेल्ट नहीं है अभी, थोड़ा सा जमा हुआ है। तो लेकिन मैं जैसे भी है इसको लगा ही रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और सिंपल से ही बना रही हूँ। कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें आलू में मैंने बहुत कुछ डाला है, हरा धनिया डाल सकते हैं, लेकिन हरा धनिया के तो हमारे यहाँ अकाल पड़े हुए हैं, बिल्कुल मिलता ही नहीं। और श्रेय को थोड़ा सा तीखा सैंडविच खाना है, तो उसके लिए बोला है कि मम्मी ग्रीन चिली वाली जो चटनी होती है वो वाली लगाओ, तो बस वही मैं यहाँ लगा रही हूँ। और एक साइड में लगा रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा केचप, तो थोड़ा सा खट्टा मीठा भी फ्लेवर आ जाएगा और थोड़ा सा तीखा भी आ जाएगा। तो बस इस तरह मैंने स्लाइस तैयार कर ली हैं, पहले बटर लगा लिया है, और फिर एक साइड हरी चटनी, एक साइड टमाटो केचप, और बस फिर इसके ऊपर मैं जो आलू की फिलिंग तैयार की है वो रख दूंगी अच्छे से। थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा ही रख रही हूँ जिससे कि टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आए। जब हम फ्राई करके बनाते हैं भुज्जी, मतलब जो ये है आलू की तैयार करके भून के जीरे में अच्छे से, तो तब बनाते हैं, उसका टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा आ जाता है। और थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ रखा हुआ था, बचा हुआ था पहला, तो ये मैंने ग्रेट करके इसके ऊपर डाल दिया है, तो इससे और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो बस बच्चों के यहाँ सैंडविच तैयार कर दूंगी, सिंपल कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बहुत ही ईजी है, लेकिन बच्चों को ना अच्छा लगता है इस तरह से। और सुबह से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ दूध दूध पिया था, तो अब मैं उनको अच्छे से बना कर ये फटाफट से दे दूंगी। सेक के तवा रख लिया है, और बस थोड़ा सा इसके ऊपर लगा दिया है मैंने बटर, और बस फिर इसके ऊपर रख दूंगी सैंडविच ब्रेड स्लाइस। सैंडविच तो बाद में ही कटने के बाद ही बनते हैं, और बस हल्की हल्की सी आँच रखती है जिससे कि नीचे से जले ना, और तब तक मैं दूसरे सैंडविच इसी तरह से तैयार कर लूँगी, और फिर बच्चों का लंच हो जाएगा तैयार। और देखिए एक साइड से बहुत अच्छे सिक गए हैं, और मैं यहाँ देख रही हूँ दूसरी साइड से भी अच्छे क्रिस्पी ये सिक गए हैं, तो इनको मैं उतार दूंगी, और फिर मैं इसके ऊपर दूसरे रख दूंगी। थोड़ा सा बटर और लगा लूंगी, आप चाहें तो दूसरी साइड भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने दूसरी साइड से ऐसे ही सिक लिए हैं, फिर हाथ ही बहुत ज़्यादा चिकने होते हैं, तो एक साइड से, और दूसरी साइड पे भी इतना तो रह ही जाता है तवे के ऊपर, लेकिन फिर भी मैंने हल्का सा डाल लिया था बाद में। और आप देखिए बच्चों की प्लेट लग गई है, तो आइए आप लोग भी गर्मा गर्म सैंडविच खाइए हमारे साथ, बहुत टेस्टी बने थे सच में, सिंपल इजी, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस आलू बॉयल रखे थे, ब्रेड रखी थी, तो बच्चे हो गए हैं हैप्पी। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? सब अच्छे होंगे। और आज मैंने वीडियो तो शुरू कर दिया था थोड़ा सा क्लीनिंग में ही, लेकिन फिर उसके बाद आपसे मिली नहीं, लंच भी हो गया और लंच के बाद थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया। फिर ना थोड़ी थकान होने लगती है क्योंकि अभी तक तबीयत ठीक नहीं है। और मैं गई थी एक दिन दिखाने के लिए डॉक्टर को, चेकअप के लिए, लेकिन क्या था, जिस हॉस्पिटल में मैं दिखाती हूँ तो हॉस्पिटल बंद था। और बंद क्यों था? क्योंकि उसमें कोरोना का कोई पेशेंट मिल गया था, तो इस वजह से वो बंद रहा है कुछ टाइम के लिए। हॉस्पिटल खुल गया है आज ये बोल रहे थे, लेकिन डॉक्टर अभी नहीं बैठते हैं वहाँ पे। हाँ, वैसे हॉस्पिटल खुला हुआ है, तो आज किसी और हॉस्पिटल में मुझे जाना है दिखाने के लिए। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, मतलब उतनी ख़राब नहीं है कि मैं काम ना कर पाऊँ। काम करती हूँ लेकिन फिर थकती हूँ, फिर लेट जाती हूँ, तो पिछले कितने दिनों से यही चल रहा है।
और बस फिर इसीलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी, लेट गई। लेटने के बाद सोई नहीं हूँ, बस लेटी हूँ, थोड़ा सा फ़ोन देख रही थी और अब बैठी हूँ आपसे थोड़ा सा बातें करने के लिए, थोड़ी देर के लिए मतलब, क्योंकि फिर से काम का टाइम हो जाएगा। काम काम काम, कपड़े उतारने हैं बाहर से, कपड़े सूख गए होंगे, धूप काफ़ी तेज़ हो रही है और अब शाम को जाना है मुझे डॉक्टर के पास। अब देखती हूँ कैसे करती हूँ, सब्जी वगैरह बना के जाऊँ, पूजा करके जाऊँ। तो इन्होंने बता दिया है टाइम कि इस टाइम तक जाना है, मतलब 7 बजे से पहले पहले, 6:30 और 7 के बीच हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचना है। अब देखती हूँ मैं उससे पहले क्या काम कर लूँगी और क्या छोड़ दूँगी। और पैर ना अब भी बिल्कुल टूटे जा रहे हैं मेरे, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे जान ही निकल गई हो पैरों की। सर में बल्कि आज इतना दर्द नहीं है, लेकिन पैरों की हालत है ख़राब, तो इसलिए मेरा मन नहीं होता काम करने का बिल्कुल भी। जो ज़रूरी है वो करना पड़ता है, करना तो पड़ता है। थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह भी ली हैं कपड़ों की, तो वो भी लेनी पड़ती हैं क्योंकि वो भी ज़रूरी है। ऐसे घर में रखे रह जाएंगे, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो भी करना पड़ता है। बीच बीच में काम तो सारे ही करने पड़ते हैं। दिन में चले जाते तो दिन में डॉक्टर नहीं बैठते हैं वहाँ पर, उस हॉस्पिटल में शाम को ही बैठते हैं। इन्होंने पहले दिखाया था वहाँ पर, जो उन्होंने अपनी डायबिटीज़ दिखाई थी, हालांकि डॉक्टर अलग अलग बैठते हैं तो उनको, तो इसलिए वहाँ का टाइम टेबल इन्हें पता था, तो फिर उन्होंने बोला कि उसी टाइम चलेंगे। एक दिन पहले भी बोला था, 3-4 दिन पहले मैं गई थी, नहीं बताया था मैंने आपको वीडियो में, क्योंकि उस दिन डॉक्टर ही नहीं मिले थे और वहाँ भी उस दिन ही, इसी वजह से मैंने नाम नहीं लिखवाया था कि शाम का टाइम है, खाने का टाइम हो जाता है, और फिर रात को ना मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मैं आके इतनी लेट खाना बनाऊँ या सारा काम करूँ। लेकिन आज तो जाना ही पड़ेगा, इतना मैंने इंतज़ार कर लिया कि आज ठीक हो जाऊँ, कल ठीक हो जाऊँ, लेकिन कुछ नहीं। और हाँ, जैसे ही संडे में मेरी वीडियो नहीं गई थी, अंश की वीडियो गई है, तो उस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखा है, बहुत अच्छे अंश को व्यू मिले हैं पहली बार इतनी जल्दी। नहीं देखते हैं मतलब, इसका चैनल अभी नहीं पता है लोगों को, नहीं ज़्यादा बहुत चल रहा है क्योंकि वीडियो बहुत कम डालता है, कभी 15 दिन में, कभी महीने भर में, तो इस तरह से जो जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने किया भी है थोड़े बहुत, तो वो भी भूल जाते हैं इतने दिनों में। तो जैसे ही मैंने पोस्ट डाली थी और इसका मतलब जो वीडियो है, बहुत खुश हो रहा है अंश, बहुत ज़्यादा, और अब लगन लग गई है कि अब मम्मी मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालूँगा जल्दी जल्दी, तो बच्चे ना खुश हो जाते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसका चैनल इसी तरह देखते रहिएगा। अब तो ये एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालेगा ही, तो आपको वीडियो अच्छे अच्छे गाने इसके सुनने को मिलेंगे। कभी ये गिटार पे मतलब वीडियो बनाएगा, कभी कैशियो पे बनाएगा, तो इस तरह से अपना प्यार इसको भी देते रहिएगा। बच्चे खुश हो जाते हैं और क्या है, छोटी छोटी इसकी वीडियो हैं, ऐसा तो नहीं है कि इसका चैनल बहुत ज़्यादा ऊंचा चला जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस अब चलती हूँ किचन में और तैयार भी मैं अभी हुई हूँ उठ के, ऐसे ना के ऐसे ही, बस पहले मैंने थोड़ा सा खाने वाने का किया बच्चों के, सैंडविच वगैरह बनाए। चलिए तो आज पानी ला दो बेटा। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ कपड़े उतारने के लिए, कपड़े कुछ उतार भी लिए हैं, पहले बच्चों ने उतार दिए हैं जब मैं आपसे बातें कर रही थी, तो ये थोड़े से कपड़े बचे थे, बेडशीट वगैरह जो मैंने बाद में डाले थे। अभी तक धूप है लेकिन थोड़े से बादल बादल से हो रहे हैं, देखिए यहाँ डाल रखे हैं सारे कपड़े। और उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई, चाय हुई, और उसके बाद थोड़े से कपड़े भी फोल्ड किए लेकिन पड़े हुए हैं अभी, सारे नहीं किए हैं। और यहाँ अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने की मतलब तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि फिर जाना है डॉक्टर के पास, तो इसलिए आज थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ, पूजा भी करनी है अभी बीच में। तो यहाँ मैं दाल छोंकने की तैयारी कर रही हूँ, दाल बना रही हूँ मैं साबुत मसूर, तो बस उसको मैं जो तड़का है वो पहले ही लगा दूँगी कुकर में, साबुत मसूर में पहले ही लगा देती हूँ मैं। और चने की दाल जो लौकी बनाती हूँ उसमें भी पहले ही लगा देती हूँ, और जो सिंपल नॉर्मल दाल बनाती हूँ उसमें मैं बाद में तड़का लगाती हूँ। तो इस तरह से प्याज काट ली है, कुकर चढ़ा दिया है गरम होने के लिए, और यहाँ मैंने टमाटर मिक्सी के जार में डाल लिए हैं, हरी मिर्च टमाटर, तो वो पीस लूँगी और बस फिर मैं दाल छोंक दूँगी यहाँ पे। और दाल मैं कोई भिगा के नहीं रखती, साथ साथ ही ऐसे ही धुल के छोंक देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं चावल भी भिगा के रख दूँगी।
बस टमाटर मैंने छोंक दिए हैं, जब तक टमाटर पकेंगे तब तक मैं यहाँ दाल वगैरह धो लूँगी। और दाल जैसे कि बोल रही हूँ कि साथ साथ ही धोती हूँ, तो मैं भिगा के नहीं रखती। और बाकी के मसाले मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं, नमक भी साथ ही, तो सारा काम हो गया है। अब टमाटर जब तक पकेंगे तब तक दाल धो दूँगी, और दाल डालने के बाद फिर मैं चावल भी साथ साथ भिगा के रख दूँगी। और यहाँ देखिए, यहाँ अंश कर रहा है अपनी प्रैक्टिस। अंश के पास छोटा कैसियो है, लेकिन आज इसने बड़ा कैसियो अपने सर के यहाँ से लाया हुआ है। जो इसकी म्यूजिक क्लास है वो पास में ही है, घर से थोड़ी दूरी पर ही है, तो ऐसे ले आता है घर पे ही। तो यहाँ के अपनी आराम से बैठ के कर रहा है प्रैक्टिस। और श्रेय की आ गई है ट्यूशन की क्लास, वो अंदर अपनी क्लास कर रहा है। तो दोनों बच्चे अपने काम पे लगे हैं, और मैं यहाँ जो ये मेरे बर्तन हैं इनको करने लगी हूँ, क्योंकि चावल का पानी भी चढ़ा दिया है, ये अभी तक नहीं आए थे, चावल भीग चुके हैं। उस बीच में मैंने पूजा भी कर ली है, और बस जो बर्तन हुए थे वो मतलब अभी पड़े हुए थे, दोपहर के बर्तन मैंने नहीं किए थे, तो वो भी मैं कर दूँगी। और जो दाल चावल बनाने के मिक्सी विक्सी के जार हैं वो भी मैं साथ साथ यहाँ कर दूँगी, ये काम भी मेरा हो ही जाएगा तब तक ये आएंगे। और चावल भी फ़ोन करके पूछ लिया है कि अभी यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो चावल मेरे बन ही जाएंगे, तब तक खाना मैं तैयार करके ही जाऊँगी, फिर आने के बाद बस खाना रह जाएगा। तो बस बर्तन भी हो गए हैं और पानी बॉयल हो गया था, उसमें मैंने चावल डाल दिए हैं, तो खाना भी लगभग बन ही जाएगा। और चावल जब तक बन रहे हैं, मैं आ गई हूँ यहाँ अंदर। कुछ कपड़े श्रेय ने फोल्ड कर दिए थे, श्रेय बहुत काम कर देता है इस तरह बैठा बैठा जब तक क्लास नहीं आई थी, और थोड़े से कपड़े बच गए थे तो उनको मैं यहाँ फोल्ड कर रही हूँ, तब तक रख दूँगी उठा के यहाँ से। और यहाँ श्रेय मुझे फ़ोन में कुछ दिखा रहा था, किसी का कुछ आया था तो वो ही बस यहाँ मुझे दिखा रहा था। और मैं ध्यान रख रही हूँ चावल का भी, बीच बीच में मतलब यहाँ से ही देख रही हूँ, किचन सामने ही है तो मुझे दिख रहा है कहीं बाहर ना आ जाए चावल, हालांकि मैंने आँच को कम किया हुआ है, गैस मीडियम की हुई है। और बस बेडशीट वगैरह पड़ी हुई थी तो इनको फोल्ड कर दूँगी, ये बाहर आ चुके हैं, इनको दे दिया है मैंने फ्रूट थोड़ा सा, तो कुछ खा लेंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएंगे तब तक हम आएंगे। और बस चावल का जो पानी है निकाल दूंगी मैं, और उसके बाद हम साथ के साथ चलेंगे डॉक्टर के यहाँ। तो मेरा सारा काम हो गया था, चावल का जो पानी वानी है मैंने निकाल दिया है, चावल भी बन गए हैं, और रख कर मैंने खाना दिया नहीं किसी को, पापा को भी मैंने फ्रूटी दे दिए हैं और इनको भी। तो अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, अंधेरा हो चुका है आप देख सकते हैं। तो बाइक से ही आए थे, ये तो बाहर बाइक ही थी तो हमने सोचा चलिए बाइक से ही चलते हैं, अच्छा मौसम हो रहा है ठंडा ठंडा। और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। हाँ जी, तो हम आ गए थे हॉस्पिटल से करीब 9:15, इतना टाइम हमें लग गया था, 7 बजे गए थे और 9:15 पे हम घर आए हैं, 2.25 घंटे लग गए। तो बस फिर आने के बाद नहाना धोना सर धोना सब कुछ यही चलता है, और कल भी ऐसे ही बाहर से आने के बाद ऐसे ही होता है, और हॉस्पिटल में जाने के बाद तो खासकर पहले भी होता था, खैर अभी नहीं होता है। हॉस्पिटल में से आने के बाद ना मन नहीं करता ऐसे बैठने का बिल्कुल भी, तो नहाना तो पड़ता ही है। और बस फिर खाना दिया, क्योंकि खाना बना के गई थी, लेट ही हो गया था पापा को खाना देने में, काफ़ी हो गया था मतलब लेट, क्योंकि आजकल 8:30 पे मैं उनको खाना खिला देती हूँ, तब तक 8 से 8:30 के बीच में, और आज हो गए थे 9:15 आने में ही हमें, तो थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन इसीलिए मैं बना के गई थी कि फिर आने के बाद फटाफट से खाने का काम रह जाएगा। इतना नहीं था कि इतना लेट हो जाएगा, लेकिन वहाँ टेस्ट वगैरह काफ़ी हुए हैं तो इसलिए लेट हो गए। देखते हैं जो भी होता है, अभी पता नहीं है। टेस्ट हुए हैं, ब्लड टेस्ट हुए हैं, यूरिन टेस्ट हुआ है, एक्सरे हुआ है। तो एक्सरे तो चेस्ट का किया है उन्होंने, जो भी कुछ उन्हें महसूस हुआ होगा, तो यहाँ से जैसे गले से लेकर पूरा जो ये फेफड़े वगैरह होते हैं, तो इनका टेस्ट किया है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा है, तो उसका हुआ है एक्सरे, लेकिन उसमें भगवान की दया से उसमें कुछ नहीं आया है, वो तो ठीक सी है मतलब नॉर्मल सा ही है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही जाता है लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं है। उन्हें थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, जिससे कि जितने मैंने उनको जैसे लक्षण बताए हैं, वैसे तो डॉक्टर ने थोड़ा सा डांटा भी है क्योंकि इतने दिन हो गए तबीयत खराब चलते चलते, तो तुमने कोई टेस्ट वगैरह क्यों नहीं कराया अभी, और टाइफाइड वगैरह नहीं है क्योंकि मुझे तेज़ बुखार नहीं होता है, अगर टाइफाइड होता है
बुखार, तो उसमें हमें कम से कम 102 103 टेम्परेचर रहता है। तो मुझे तो कभी 100 से ऊपर होता ही नहीं है, उससे नीचे नीचे मेरा टेम्परेचर रहता है। तो हल्का मतलब हल्का हल्का रहता है, बहुत ही बुखार सा मुझे। तो इसीलिए मैं डॉक्टर के पास उस दिन से जाना मतलब थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी कि इतना कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ही है ऐसे ही है। लेकिन अब मेरी हालत बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब रहने लगी थी, क्योंकि पैर नहीं चल पा रहे थे बिल्कुल भी। पैर इतने थके थके रहते थे पूरा दिन, कभी ठंड लगने लगती थी कभी गर्मी लगने लगती थी, तो ऐसी मेरी हालत हो रखी थी इस टाइम। और जो सर दर्द की दवाई है, मुझे सुबह शाम दोनों टाइम खानी पड़ रही थी, दोनों टाइम। करीब 1-1.5 हफ्ता हो गया है, दोनों टाइम मुझे पेन किलर खाते हुए। रिपोर्ट अभी कुछ की मिल जाएगी, जो ब्लड रिपोर्ट है वो मिल जाएंगी कल, मतलब अगले दिन। जैसे आज 21 है तो वो 22 में मिल जाएंगी, और जो और दूसरे टेस्ट मेरे होने हैं तो उनकी रिपोर्ट मिलेगी 25 में, तो उस दिन रिपोर्ट मिलेगी। तो बस भगवान करे सब ठीक ठाक ही हो। दवाई आज से शुरू हो गई है, दवाई दे दी है डॉक्टर ने, तो दवाई खाना शुरू करते हैं और देखते हैं जो भी होता है। तो बस ये था। और यहाँ सब देखिए, आप अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, यहाँ ये चल रहा है इनका, सो जाते अब तक, लेकिन मैंने जगा के रखे कि मुझे अभी वीडियो कॉल भी करना है। और इधर इधर हैं अंश बाबू, जो मेरे बिस्तर पर लेटे हुए हैं। ये मेरा बिस्तर है इधर की साइड, इस पे मैं लेटने वाली हूँ, लेकिन अभी अंश लेटा हुआ है, मैं यहाँ बैठी थी बेड पे ऊपर। तो बस तो चलिए अब करते हैं वीडियो का एंड। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और हाँ मेरे चैनल को चेकआउट करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय। तो चलिए एंड तो अंश ने कर दिया, तो बस अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।